मैं रहने वाला बुलंदशहर के पास, गाँव से वो तौली गाँव है बुलंदशहर के पास में। एक्चुअली सर बीच में प्लान नहीं हुआ, बीबीए भी मतलब एक प्लान के अंदर ही आता। 10th में ये था कि भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो तब सारा कुछ मैंने ड्रॉप कर दिया था। देन आई केम टू रियलाइज दैट आई हैव टू लर्न समथिंग, ई कॉमर्स के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। हाय तुषार, कैसे हो आप? हाय सर, ग्रेट। सो तुषार, बेसिकली थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताओ। एक्चुअली सर मैं भी, मेरी लास्ट ईयर चल रही है बीबीए की ग्रेजुएशन, और कोर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ से, डिजी हीरो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अभी तो फिलहाल यही है सर। ग्रेट। तो रहने वाले कहाँ से हो, बैकग्राउंड आपका? सर मैं रहने वाला बुलंदशहर के पास का हूँ, अच्छा गाँव से वो तौली गाँव है बुलंदशहर के पास में, और अच्छा अभी करंट में मैं ग्रेटर नोएडा में रहता अच्छा करेंटली आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं, तो हूँ। 12th वगैरह वहीं से करी आपने कि यहीं ग्रेटर नोएडा से? नहीं, गाँव से ही। गांव से ही आपने 12th की। तो 12th के बाद जैसे आपने बीबीए ज्वाइन की, तो पार्ट टाइम है फुल टाइम है बीबीए? सर एक्चुअली है तो रेगुलर बट मैनेज एडजस्टमेंट कर में। लेते हाँ हैं, ठीक है, बीच बीच में। ग्रेट। तो जैसे आप ऑलरेडी बीबीए कर रहे थे, राइट, जी, बीच में आपका प्लान कैसे हुआ कि एक कोर्स करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए? एक्चुअली सर बीच में प्लान नहीं हुआ, पूरी एक प्लानिंग के हिसाब से हुआ है, जिसमें बीबीए भी मतलब एक प्लान के अंदर ही आता है मेरा। राइट। एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 8th क्लास से। अच्छा 8th क्लास में मैंने पहली बार लाइक स्टार्ट किया था ये सारा कुछ देखना, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया और शॉपिफाई वगैरह का। सबसे पहले मैंने स्टोर बिल्डअप ये जब ही किया था 8th 9th राइट में। तो राइट। फिर 10th में ये था कि भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो तब सारा कुछ मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर देन 11th में मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, राइट। एंड देन आई केम टू रियलाइज दैट आई हैव टू लर्न समथिंग लाइक ई कॉमर्स के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा। मार्केटिंग साइकोलॉजी हो गया, रिसर्च, ये सारा कुछ सीखने के लिए फिर मैंने कोर्स प्रेफर किया बीबीए करना। बीबीए फिर उसमें भी क्लियर था कि मार्केटिंग करना है। अब मेरे को ये था कि भाई ठीक है, थोड़ा सा वैलिडेशन मेरे को चाहिए था और कि मेरे से कुछ और छूट रहा है या कुछ भी है, तो मेरे को इसलिए डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे एडवांस से सीखना था, इसलिए मैंने फिर चूज किया था डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना सेकेंड ईयर में। ग्रेट। अब बेसिकली आपको जैसे 10th में आपने कहा कि मैं हाँ एफिलिएट सर, मार्केटिंग और इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहा था, तो YouTube काफ़ी देखते होंगे, YouTube से ही नॉलेज मिली कि कोई फ्रेंड था, कोई फैमिली में नोन था जो ऑलरेडी नहीं एफिलिएट कर सर रहा था? क्योंकि कोई आपने नहीं। जैसा कहा कि आपकी अपब्रिंगिंग, पढ़ाई सारी गांव में हुई है, राइट, हाँ तो इतना एक्सपोजर नहीं होता अगर मैं कंपेयर करूँ कंपेयर टू शहर और कंपेयर टू यू नो पीपल हेयर, क्योंकि इंडस्ट्री यहीं पे है, राइट। अब ऑफकोर्स जैसे गांव में हम रहते हैं, फार्मिंग वगैरह का बैकग्राउंड रहता है, राइट, और वहीं के स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चों का इतनी सोच नहीं होती कि, तो आपका कैसे, मतलब आपको एक्सपोजर कहाँ से मिला वो? एक्चुअली सर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, और अब लाइक जो मेरा, हम जैसे अब नॉर्मली रिचार्ज कराते हैं तो 1 GB अब पर डे का होता है, तब 1 GB चलता था हमारा पूरे मंथ का। तो तब एक लाइक एक वेबसाइट, एक बंदा था बाहर का, US का बंदा था, माइक विस्टल करके बंदा था वो, तो उसका न्यूज़लेटर के थ्रू मेरे को समझ में आया था कि यार ये बंदा ऐसे पैसे कमा रहा है और ऐसे हम भी कर सकते हैं। और उस टाइम पे फिर मैंने सारा कुछ सीखना स्टार्ट किया, और मैंने इवन वेब डेवलपमेंट के लिए HTML वगैरह भी सीखा था तब, बट इतना ज़्यादा HTML का अब यूज़ है नहीं, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि HTML और CSS के थ्रू अगर हम कोडिंग करते हैं तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा वेब डेवलपमेंट के लिए। तो हमें था कि हमें खाली पैसे कमाने, लीड जनरेशन करना है, काउंसलर चाहिए हमें, तो उसके लिए CMS टूल्स जैसे कि हमारा शॉपिफाई हो गया, और अभी करंट में तो अभी रिसेंट में काफ़ी अच्छे अच्छे टूल भी आ गए हैं, जैसे Dukaan.com है जो कि इंडियन स्टार्टअप भी है। जी उस टाइम पे वर्डप्रेस का फ्री वर्जन भी था और काफी सारे लाइक फ्री डोमेन प्रोवाइडर भी थे, .to.xyz करके फ्री में डोमेन्स मिल जाते थे, राइट तो राइट उसके थ्रू भी मैंने काफी कुछ सीखा है। मतलब पर बहुत मेहनत की इधर उधर से हाँ काफी ज्यादा, राइट, तो एंगेजमेंट आपके करते रहे आप, तो फिर डिजी परफॉर्म कैसे पहुंचे आप, मतलब काफी जैसे डीजी ओवरऑल? परफॉर्म सर, जब मैं सीख रहा था ये सब तो उस टाइम पे आपका एक एड वगैरह मैंने देखा था टीवी पे, फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था। और फिर उसके बाद में मैंने लाइक जब मैं सर्च कर रहा था एक कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं एडवांस में कुछ ऐसा कुछ सीख सकूँ या कुछ कर सकूँ, तो तब मैंने आपका वही एक उसी से सिमिलर ऐड देखा था ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे। तो उसके बाद में मेरे को आपकी थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग वगैरह वो हिट हुई, फिर मैंने कहा अगर ये जितना ये लोग कर रहे हैं उतना भी सीख लिया तो हो जाएगा अपना। फिर लाइक फिर हम यहाँ पे कनेक्ट वगैरह हुए एक मैम से, तो उनका भी काफ़ी अच्छा, उनसे एक्सपीरियंस रहा बात बात करने का, और
राइट ये सारा कुछ हो जाता है। तो ऐसे एक पूरा प्रोसेस के थ्रू मेरा यही था कि जितना ये लोग कर रहे हैं मेरे को उतना भी सीख लिया तो मेरा हो जाएगा। ग्रेट। तो एक साल का आपने डिजी हीरो जैसे प्रोग्राम किया, राइट? तो अभी आप वर्किंग है ऑलरेडी? हाँ सर। राइट, तो कैसा लगा, मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया या जॉब मिली या पहली सैलरी जब आई, तो फिर मतलब कैसी फीलिंग आई? एक्चुअली सर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बात इंटरव्यू की करें हम, तो पहले पहले जब हमने स्टार्ट किया था इंटरव्यू के लिए जाना, तो लग रहा था कि गड़बड़ हो रही है, कुछ मजा नहीं आएगा। लाइक इंटरव्यू तो हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि रिजेक्शन आ रहा है कुछ भी ऐसा, बट जो रिस्पॉन्स में जो टाइम लगता है वो लग रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी लाइक इतना कुछ स्टिपेंड इतना मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा ऐसा रह रहा था कि एकदम क्योस टाइप में। बट एक ये था कि मेरे पास दो ऑप्शन मिले फिर मेरे को, कि एक तो मैं एक कोई स्टेबल फर्म ज्वाइन करूं उसमें कुछ ऐसा ही रह जाऊं, और फिर एक ये था कि किसी एक स्टार्टअप के साथ में जाके वहां पे इंटर्न करूं और उनका स्टार्टिंग से एक फ्लो पूरा तैयार। राइट राइट। तो वहां पे मेरे को बेनिफिट ये मिला कि लाइक इंस्टेंटली मैं जब आया जहां पे मैंने भी इंटर्न कंप्लीट की थी अपनी क्यूटाइटी सॉल्यूशंस जी, तो मैं वहां पे कनेक्ट हुआ, मैंने उनका पूरा फ्रेमवर्क जब समझा तो मेरे को ये था कि भाई ठीक है यहां से अपन कर सकते हैं और जितनी भी अपनी थ्योरी है सबको इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। राइट। तो मैंने वो सिंपल वही चीज इंस्टेंट जाके जितना भी स्टिपेंड था मैंने डन कर ली उधर, तो वहां का मेरे को बहुत अच्छा एक एक्सपोजर रहा। राइट। बहुत अच्छी लाइक जितनी भी मेरी थ्योरीज थी मैंने इम्प्लीमेंट की और जो भी मेरी प्रैक्टिसेस मेरे को करनी थी वो सब कुछ मैं कर पाया। राइट। तो ये था हमारा इंटर्न का, इंटर्न लेवल का। फिर उसके बाद में लाइक फिर मैंने इंटरव्यू के लिए गया मैं NIU में, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके। तो वहाँ पे भी हो गया था, बट उनके कुछ लाइक ऐसा होता है ना सर कि जैसे प्री पे एडमिशन लेवल अभी उनका चल रहा था जी, जी। उस टाइम पे वो लोग इतने ज्यादा हायरिंग में कुछ करते नहीं है डिजिटल मार्केटिंग पे, तो उन्होंने बोला था कि अभी आप होल्ड पे हो। ओके। तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो गया था कि लाइक सारा कुछ हो चुका है इंटरव्यू प्रोसेस, तो पेशेंस रखना है सबने, है ना। हाँ, पेशेंस का मेन था। अब उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा सा बैक एंड किया और देन मैंने अपने फादर को कॉल की, अभी मैं क्या करूँ, अभी थोड़ा सा ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। और वहां पे एक मेन चीज जो मेरे को उन्होंने बोली थी कि आपकी एज भी कम है काफी। हाँ। तो वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा हिटिंग रही थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने फ्रीलांस स्टार्ट कर दिया। ओके। फ्रीलांस में अच्छा खासा मेरे को फर्स्ट मंथ से मिल गए थे क्लाइंट्स। अच्छा। मेरे को एक दो क्लाइंट फर्स्ट मंथ में मिल गए थे जो की लाइक अभी तक भी है मेरे पास। ग्रेट ग्रेट। तो अब मैंने इसी वजह से मैंने घर पे बात की तो बोले ठीक है जब तक नहीं होता तब तक तू कर ही रहा है, तेरा चल रहा है फ्रीलांस कर रहा है तो फ्रीलांस कर ले। राइट। अब उसके बाद में सर फिर मेरे को एक और लाइक कॉलेज से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं उधर गया। अब उधर मेरा उधर भी सारा कुछ क्लियर हो गया। अब उधर भी सेम इशू आया पर मेरे को फिर से दोबारा एज का, एज बहुत कम है कैसे संभालोगे सारा कुछ, सारा पोर्शन लीड जनरेशन कैसे करोगे। राइट। अब उनका वो भी एक क्वेश्चन मैं समझता था कि हाँ वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि तभी आप डीजी हीरो हो ना कि इतनी छोटी उम्र में कोई आ रहा है और इस लेवल पे चीजों को संभाल रहा है। फिर पर उसके कुछ टाइम बाद में लाइक 10 दिन बाद में उनका वापस से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि लाइक जितना भी तुम अमाउंट कोट कर रहे थे उतने अमाउंट पे हम तुम्हें हायर करने के लिए तैयार। ग्रेट। उनकी तरफ से खुद से अप्रोच आया, मैंने कहा ठीक है आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। मैंने पहले फिर घर कंफर्म किया कि मेरे को करना चाहिए ज्वाइन या नहीं करना चाहिए, देन आई ज्वाइन देयर लाइक इन मे और अभी मैं वहीं पे काम कर रहा हूं। तो अब आपका पैकेज कितना है सर? पैकेज का तो लाइक 4.5 के समथिंग में स्टार्टिंग में। तो बहुत अच्छा पैकेज है ना, क्रैक कर लिया, मतलब आप मेहनत करी और साथ में पेशेंस रखा तो आप पहुंच गए सही जगह। हां सर। और अब जैसे क्या-क्या करते हो वहां पे? सर वहां पे ऐसा मेरी अगर प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की है, बट जो मेरा काम है मेनली वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जो काम होता है वो है। लाइक मेरा जो मेन काम है मेन है वहाँ पे उनके लिए लीड जनरेट कर। ओके। लीड जनरेशन का हो गया एंड देन उनका स्ट्रेटजी प्लानिंग हो गया, कंटेंट प्लानिंग हो गया, PR से थोड़ा सा लाइक कोऑर्डिनेशन का हो गया PR को, यही सारा कुछ होता है। तो मतलब एंटायर लीड मैकेनिज्म जो कॉलेज का है वो सारा आप मैनेज कर रहे हो? हाँ। फिर वो डिस्ट्रीब्यूट आगे तो कौन कौन से गूगल एड्स फेसबुक एड्स की सब जगह कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो? अभी करंट में जो हमारे जो अंडर आता है वो हमारा गूगल एड्स का मेन रहता है, गूगल एड्स का मेन है जो कि हम मल्टीपल पोर्टल्स के थ्रू करते हैं। और फिर उसके बाद में भी सर कॉलेजेस का कुछ होता है कि लाइक मल्टीपल अदर पोर्टल्स भी होते हैं। राइट राइट। तो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जहाँ पे लिस्ट किया हुआ उन्होंने जी, तो वहां से भी लीड्स वगैरह आती है? हाँ, सब जगह से लीड्स आते हैं क्योंकि कॉलेज का जो होता है ये था कि वॉल्यूम इन पे जितना ज्यादा वॉल्यूम आएगा लीड्स का उतना ही अच्छा इनको रेस्पॉन्स ही निकाल पाते। राइट।
और ईमेल मार्केटिंग का भी हो गया, आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग हो गया, इन सब के थ्रू रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो अभी टीम है कि आप ही सारे चीजें मैनेज कर? अभी हमारी टीम है बट टीम इतनी बड़ी नहीं है जो इन हाउस टीम है, राइट। बट हमारे पास में लाइक बाहर से भी दो एक दो एजेंसीज हैं जो हमारे साथ में काम करते हैं, तो उनका भी सारा कुछ मैनेज करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, वो सारा कुछ रहता है। ग्रेट। देखो जनरली क्या होता है, जैसे अब आप आए, आपने एक नई फील्ड सीखी, उसमें करियर बनाया, एक अच्छे लेवल पे पहुंचे, मतलब स्टार्ट आपको अच्छा मिला है, और यू नो जनरली जैसे लोग आते हैं तो जैसे आपने कहा कि गांव में मेरी पढ़ाई हुई, तो ज्यादातर पेरेंट्स का ही होता है यार सरकारी नौकरी की तैयारी कर ले। आपके घर से भी कभी ऐसा प्रेशर आया था कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर या ऐसा कुछ? एक्चुअली सर सरकारी नौकरी का तो मैंने पहले ही मना कर रखा था। हाँ। अपना क्लियर था पहले से कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं था कुछ कंफ्यूजन रही नहीं है, राइट। बट टेंथ क्रॉस होने के बाद में जब मैंने कॉमर्स के लिए जब मैं गया था, राइट, तो तब थोड़ी सी फाउंडेशन थी कि नहीं साइंस लेनी है। फिर जब कॉमर्स कम्प्लीट थी 12th में, राइट, तब ये था कि भाई सीए करना है, बाकी कुछ नहीं करना, सीए करना है। उनको फिर किसी और ने भी बोल दिया कि नहीं सीए बेस्ट है, सीए कराओ, पर थोड़े टाइम में मान गए थे, तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब सपोर्टिव रहे, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे। तो ओवरऑल जो अगर मैं बात करूं, जो नए बच्चे हैं जो कॉमर्स में हैं या जो डिजिटल में आना चाहते हैं, अभी 12th करी है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका मंत्र, कितनी मेहनत करनी है, क्या करना है, पेशेंस कैसे, मतलब जो भी आप बताना चाहो, क्या मैसेज दोगे उनको? सर मेन तो ये है कि साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए, राइट, लाइक साइकोलॉजी का ही गेम है प्रॉपर। अभी जैसे करंट में हम देखें कंटेंट मार्केटिंग बेस्ट, राइट, कंटेंट मार्केटिंग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि लाइक अगर आपकी कंटेंट जो प्लानिंग आप कर रहे हो वो बेस्ट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा वही फीड कर रहे हैं, राइट। तो मेन है उसको करने के लिए साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि कस्टमर चाहता क्या है, बंदा एक्चुअली वो आपके कंटेंट को देख रहा है तो क्या फील कर रहा है, कैसा उसके साउंड क्या जा रहा है, सब कुछ वो साइकोलॉजी पे डिपेंड हो गया है। और अगर साइकोलॉजी समझ गए तो चाहे लीड जनरेशन हो या फिर आपका कुछ भी हो, इवन डिजिटल में सब कुछ आप कर सकते हो। तो गाइस सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपने कस्टमर की टारगेट परसोना की साइकोलॉजी समझो, किस टाइप पे वो है, उस हिसाब से कंटेंट को सर्व करो, और अगर आप उस तरीके के से सोचते हो तो एक अच्छे डिजिटल मार्केटियर आप बन सकते हैं। तो ये तुषार जी का मैसेज है, थैंक यू तुषार, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू तुषार।